लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते भाव से लोगों की परेशानी और बढ़ती जा रही है, पर इस महंगाई में पेट्रोल और डीजल में आधी कमाई लोगों की चली जा रही है। ऐसे में धारावी के नगर सेवक बब्बू खान और उनके कार्यकर्ता और आम जनता ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हमने देखा कि कल से आज तक जो है पेट्रोल के भाव बढ़ चुके हैं और हर जगह पे कांग्रेस ने जो है मोर्चे लगाए हुए हैं, आंदोलन किए हैं। कल बैलगाड़ी लेकर मोर्चे लेकर गए थे और आज देखते हैं धारावी में बब्बू खान जी, आइए उनसे बात करते हैं कि पेट्रोल के दाम जितने बढ़ गए हैं उसके हिसाब से हर चीज़ के दाम बढ़े हैं तो बहुत सारी तकलीफियाँ होती है। आज आपने यहाँ पे मोर्चे निकाले हैं तो और क्या क्या मकसद है इसके पीछे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का सीधा सीधा आज पूरे बॉम्बे में सारे पेट्रोल पंप पे जो आने वाले लोग हैं उनको बताने का मकसद है कि जो पेट्रोल आज 50 रुपया होना चाहिए, आज श्रीलंका हमारे हिंदुस्तान से पेट्रोल खरीदता है और उसकी कीमत वहाँ पे 49 है, हम लोग 80 रुपया पे करते हैं। हम बेचने के बाद जो हमसे खरीदता है वो सस्ता बेचता है, हम लोग महंगा बेच रहे हैं। इसके जो असर बहुत सारे दिखाई देते हैं उससे भाजी मार्केट वगैरह सब कुछ चीज़ें बढ़ती है, तो क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या तकलीफें होती लोगों? सीधा गरीब आदमी की जेब खाली करने का पूरा इरादा बना लिया है बीजेपी ने और पूरा गरीब आदमी ही मरने वाला है इसमें। क्योंकि आप क्या कहना चाहते हो कि किस किस मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ता है? बहुत सारी परेशानी है। सबसे बड़ी बात क्या है, पेट्रोल महंगा करने की वजह से जो गाड़ी चालक है, जो भाजी जो आता है बाहर से वो महंगा हो रहा है, डीजल महंगा होने की वजह से वो आएगा यहाँ, फिर गरीबों का जेब खाली होगा। गरीबों का जेब इस तरह से खाली हो रहा है कि भाजी जो आएगा ट्रेवलिंग से, जैसे पूना से आता है, मालेगांव से आता है, महाराष्ट्र के अनेक अनेक जगह से भाजी मुंबई के अंदर सिटी में आता है। सिटी में आने के बाद क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज़ ये महंगा, जब उनका रेट महंगा होगा पेट्रोल का तो ऑटोमेटिक महंगा होगा, तो इसमें कुल मिला के गरीबों का जेब खाली हो रहा है, अमीरों को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम गरीब इसमें पीसे जाते हैं। हमारे कांग्रेस सरकार की मांग ये है कि पेट्रोल किसी तरीके से कम करे ताकि हम गरीबों को एक रास्ता मिले। क्या कहना चाहते हो कि महिलाओं को और भी परेशानी आती है जब हर चीज़ के दाम बढ़ते हैं, घर का जो है हम जो भी बचा कुचा के रखते हैं वो भी हमें बाहर निकलना पड़ता है, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? जब महिला घर पे खाना पकाती है, जो गैस का भाव बढ़ गया है तो 800 रुपया भाव, हमारे कांग्रेस में 319 रुपये था सिलेंडर का भाव, तो बीजेपी की सरकार आके दाम बढ़ा दिया है, तो आम महिला क्या कर सकते हैं? जब महंगाई इतनी बढ़ गई है तो खाना क्या खाएंगे, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि बीजेपी सरकार पेट्रोल डीजल और गैस का भाव कम करे, यही चाहते हैं। सरकार ने सब महंगा कर दिया है, अभी पेट्रोल डीजल के भाव तो आसमान छू रहे हैं, जैसे भाजी भी वैसा ही है। टमाटो कभी देखा आपने राज, कांग्रेस के राज में कभी टमाटो 70 रुपये 80 रुपये किलो था क्या कभी? फिर भी वो लोग कोर्चा निकाल देते हैं टमाटो फ्लावर का, ये वो भाजी लेके, अब किधर गए हो? हाँ, अब लोग बोलते थे ये महंगा है वो महंगा है, अभी देखो कितना महंगा है, पूरा डबल डबल करके रखा है उन लोगों ने। गरीब महिला लोग क्या खाएंगे, हम घर में माल बच्चों को कैसा पढ़ाएंगे? लाइट बिल इतना हो गया है, पेट्रोल डीजल के भाव उतना हो गए, वो उतना ही गेहूँ जवारी है। कांग्रेस सरकार के राज में 2 रुपये चावल था, गेहूँ तो 3 रुपये था, अभी गैसलेट भी मिलता था, अभी सब बंद हो गया है। महिला लोग इतना आक्रोश कर रही है पूछो मत, जिस दिन महिला लोग रास्ते पे उतरेगी ना भाजपा सरकार की पूरी वाट लगा देंगी। यही अच्छे दिन है प्रधानमंत्री के, बोलते हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, कहाँ है अच्छे दिन, कहाँ पर है अच्छे दिन? सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता था कि ये देश के अच्छे दिन है, जब भी हमारी कांग्रेस सरकार थी 2008 में जब पेट्रोल का जो बैलर का भाव रहता है 155 रुपया था और आज 50 रुपये के नीचे फिर भी 80 रुपये, जब हमारी 2008 में जब भी सरकार थी और पेट्रोल का भाव 155 रुपये जब बैरल भाव था तो उस टाइम में भी 56 रुपया भाव था, आज 50 रुपये डॉलर के नीचे फिर भी आज 80 रुपया भाव क्यों? हमारी नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, मेरी सरकार बनेगी तो मैं 100 दिन के अंदर महंगाई कम करूँगा, तो यही महंगाई कम है। लोग क्या करेंगे, रास्ते पे आ जाएंगे, दिन का 300 रुपया कमाते हैं उसमें से 100 रुपये का पेट्रोल पार्क यूज़ करेंगे, अपने परिवार को बड़ा करेंगे, बच्चे को परवरिश कैसे करेंगे, यही अच्छे दिन है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी सरकार से कि आप जो आपने ये फैसला लिया है पेट्रोल के पीछे कम करें। गोवा में 44 रुपीज़ लीटर पेट्रोल है, हिंदुस्तान के बम्बे के अंदर 80 रुपया लीटर है, तो कहाँ का इंसाफ है? बीजेपी पार्टी जब चाहिए, कांग्रेस पार्टी के राज में 55 रुपया लीटर था पेट्रोल, इस कदर महंगाई बाटले का भाव बढ़ गया, हर चीज़ का भाव बढ़ गया, आदमी कहाँ, गरीब आदमी मिडिल क्लास का आदमी कहाँ मैनेजमेंट करेगा मैडम? जैसा कि आज नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बुलेट ट्रेन लाने का वादा किया है कि हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन आएगी, हमको ऐसा लगता है फिर हाथ गाड़ी और बैलगाड़ी पे चलना पड़ेगा,
और साइकिलों से लोग ऑफिस जाया करेंगे, क्योंकि अब पेट्रोल खरीदने की ताकत आम आदमी में नहीं रही है। पुराने दिन, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने पहले बोला था कि अच्छे दिन आएंगे, तो हमारे जब पुराने दिन आए वही अच्छे दिन हैं। हमको बुलेट ट्रेन की आज ज़रूरत नहीं है, हमको आज वो ज़रूरत है कि हम लोग अपना जो सफ़र कर रहे थे वो सफ़र हमारा बचा रहे, जिस गाड़ी में हम चलते थे वो गाड़ी हमारी बची रहे। लेकिन अब ऐसा दौर आने वाला है कि हम लोग बैलगाड़ी से सफ़र करेंगे और पैर से अपना साइकिल चला के ऑफिस जाया करेंगे।